केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 30 जून को राज्य के दौरे पर आएंगे। वे श्री बाबा अमरनाथ यात्रा के शुरू होने पर पवित्र गुफा के दर्शन भी करेंगे। आपको बताते चलें कि बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। अमित शाह 30 जून को श्रीनगर में पहुंचेंगे और वहां से बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए जाएंगे। बाबा अमरनाथ यात्रा के शुरू होने पर 1 जुलाई को पवित्र गुफा में विधिवत पूजा अर्चना होती है। संसदीय चुनाव में भाजपा की भारी जीत और केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह का ये राज्य का पहला दौरा होगा। शाह राज्य के सुरक्षा हालातों की भी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को 19 जून को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून को लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने देते हुए कहा कि पीएम मोदी 19 जून को बैठक में एक देश एक चुनाव और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं और संसद में टीम भावना का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 20 जून को सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। गर्मी में ट्रेन यात्रियों की मुश्किलों को कम करने के लिए अब अधिकारियों को भी ट्रेन में सफर करना होगा। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष विनोद यादव ने इस संबंध में सभी महाप्रबंधकों को भेजे पत्र में नए निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रेन में सफर करने और यात्रियों की परेशानियों से रूबरू होने के बारे में पहले भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उन पर गंभीरता से नहीं बरती गई। इसलिए सभी GM, DGM, DRM तथा यूनिट हेड व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकारी बार बार ट्रेन में यात्रा करें और यात्रियों की मुश्किलों का मौके पर समाधान करें। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में आज कैबिनेट का विस्तार हुआ। 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। पूर्व कांग्रेस नेता राधाकृष्ण विखले पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली कैबिनेट के मंत्री के रूप में शपथ ली। विखे पाटिल राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष थे और उन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा भी दिया था। दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों में गर्मी से परेशान लोगों ने आज राहत की सांस ली, जब आज एक बार फिर मौसम ने करवट ली। दिल्ली और NCR के कई इलाकों में आज सुबह बूंदाबांदी हुई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद और गुरुग्राम में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। उधर रेवाड़ी में भी मौसम तेजी से बदला, यहाँ पर कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश हुई। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के बाद बूंदाबांदी हुई। बंगाल की खाड़ी से आ रही उत्तर पश्चिमी हवाओं ने वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गर्मी का पारा चढ़ा दिया है। जैसे जैसे जून माह बीत रहा है, वैसे वैसे मौसम का मिजाज भी गर्म होता जा रहा है। सामान्य से 7 डिग्री ऊपर चल रहे तापमान और लू के कारण शहरवासी परेशान हो रहे हैं। पारा 43 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। भीषण गर्मी का असर जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र 28 जून तक भारत के सभी विमानों के आवागमन के लिए बंद रहेगा। ये जानकारी देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा जारी एक नोटिस में दी गई है। पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 26 फरवरी से अपने हवाई क्षेत्र को बंद किया हुआ है। आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा कदम। अब जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और इसके पोषण के लिए फंड जुटाने वालों पर रखी जाएगी विशेष नजर। गृह मंत्रालय ने इसके लिए टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया है, जो ADG CID जम्मू कश्मीर पुलिस के नेतृत्व में संचालित होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह कदम जम्मू कश्मीर के मामलों को देखने वाली डेस्क के निर्देश पर उठाया है। इससे पहले भी राज्य में आतंकवाद में आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए केंद्र ने लगातार कदम उठाए हैं। इस बार भी गठित किए गए टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का यही उद्देश्य होगा। पश्चिम बंगाल में जारी गतिरोध के दूर होने के आसार नजर आ रहे हैं। आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने कहा है कि वे प्रदर्शन खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन मुलाकात की जगह वे बाद में तय करेंगे। इससे पहले शाम में उन्होंने राज्य सचिवालय में ममता बनर्जी के साथ बैठक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और इसकी वजह उन्होंने गतिरोध सुलझाने को लेकर खुली चर्चा के लिए NRS मेडिकल कॉलेज अस्पताल आने को कहा था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बुलाई गई है। आज शाम को ही संसद में NDA की बैठक होगी, जिसमें सत्र के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा की जाएगी।
लद्दाख में एक कार के इंदस दरिया में गिर जाने की वजह से उसमें सवार चार लोग डूब गए। तीन के शव बरामद कर लिए गए हैं जबकि एक लापता है जिसके मारे जाने की आशंका बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ऑल्टो कार में एक परिवार के चार लोग जा रहे थे जब रास्ते में एक तीखे मोड़ पर अचानक कार चालक के नियंत्रण से बाहर होकर गाड़ी सड़क के नीचे बह रहे इंदस दरिया में जा गिरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को पत्र लिखकर बारिश के पानी के संरक्षण और इसे लोगों का आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने बारिश के पानी के संरक्षण के लिए अपने क्षेत्रों में जल निकायों का निर्माण या मरम्मत करने का आग्रह किया। पत्र में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मानसून का मौसम आने को है। हम भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमारे देश को पर्याप्त बारिश के पानी के साथ आशीर्वाद दिया है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति से मिले इस उपहार का सम्मान करें। भारत और म्यांमार सेना के संयुक्त ऑपरेशन में अपनी अपनी सीमा पर मौजूद उत्तर पूर्व में स्थित उग्रवादियों के कई कैंपों को किया तबाह, भाग रहे उग्रवादियों को पकड़ा। एक दैनिक अंग्रेजी समाचार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सनशाइन 2 था। ये सैन्य कार्रवाई मई 16 से 8 जून के बीच हुई। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई उत्तर पूर्व के उग्रवादियों के लिए बड़ा झटका है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की 2 बटालियन शामिल थी जो ऑपरेशन सनशाइन 1 का फॉलोअप था जिसे की 22 से 26 फरवरी के बीच अंजाम दिया गया था। राज्यसभा की 6 खाली सीटों पर 5 जुलाई को मतदान। चुनाव आयोग ने बिहार, उड़ीसा, गुजरात की राज्यसभा की 6 खाली सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सभी सीटों पर 5 जुलाई को मतदान होगा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गुजरात से खाली हुई राज्यसभा की 2 सीटें भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बिहार से रविशंकर प्रसाद की सीट भी खाली हुई है। इन सभी सीटों पर उपचुनाव के लिए 18 जून को अधिसूचना जारी की जाने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो गई है। लगातार सेना की तरफ से चल रहे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने वाले प्लान से घबराए आतंकी अब घबराकर पुलवामा जैसे दूसरे हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसका खुलासा एक अंग्रेजी समाचार में आई एक रिपोर्ट से सामने आया। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के पास संभावित हमले को लेकर एक जानकारी साझा की है। इस बात की पुष्टि श्रीनगर में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने भी की है। अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने बालटल बेस कैंप और ट्रैक की सुरक्षा समीक्षा कर तैयारियों का जायजा लिया। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर वीके वर्दी ने शनिवार को सभी ट्रांजिट कैंप के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जिनमें मनीगाम, बालटल बेस कैंप, डोमेल आदि शामिल हैं। इसके अलावा श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र पांदश से लेकर सोनामर्ग तक मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। इस मौके पर SSP गांधरबल, खलील अहमद पोसवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।